सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल आरके अबाउट मेडिसिन चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके अबाउट मेडिसिन चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपके घर में ये चार मेडिसिन का होना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो में आप बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब किसी छोटे बच्चे का तबीयत खराब होता है या हुआ बच्चा किसी प्रॉब्लम में होता है तो दोस्तों वह बता नहीं सकता है, लेकिन हमें उस बच्चे के कुछ न कुछ एक्टिविटी को देख करके, कुछ न कुछ बॉडी मूवमेंट को देख करके समझना होता है कि आखिरकार हमारा बच्चा किस प्रॉब्लम है, किस समस्या में। दोस्तों, हम ऐसे मेडिसिन के बारे में आज बात करेंगे जिस मेडिसिन का अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपके घर में उस मेडिसिन का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहला मेडिसिन वह है दोस्तों पैरासीटामोल ड्रॉप के बारे में। दोस्तों, पैरासीटामोल ड्रॉप की हम मूल कंपोनेंट की बात करें तो वह है दोस्तों पैरासीटामोल। पैरासीटामोल यह एक एंटी एनाल्जेसिक एवं एंटी पायरेटिक मेडिसिन है जो कि बुखार एवं दर्द को कम करने में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके बच्चों को बुखार आ रहा है, उसके पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द है, उस कंडीशन में इस पैरासीटामोल ड्रॉप को यूज किया जाता है। दोस्तों, आपके मार्केट में, आपके एरिया में, आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसके जो ब्रांड है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मूल कंपोनेंट रहेंगे वह रहेंगे दोस्तों पैरासीटामोल। अब हम इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करेंगे जो कि आपके एरिया है, आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग हो सकती है। जैसे यह डोलो के नाम से अवेलेबल है, डोलो ड्रॉप के नाम से अवेलेबल है, कालपोल ड्रॉप के नाम से अवेलेबल है, स्मॉल ड्रॉप के नाम से अवेलेबल है, और कभी कभी दोस्तों यह अपने जेनरिक नाम पैरासीटामोल ड्रॉप के नाम से अवेलेबल है। दोस्तों, हम इसके डोज की बात करें तो बड़ों में टैबलेट एवं छोटे बच्चों में ड्रॉप एवं सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों, छोटे बच्चे को जब यह ड्रॉप दिया जाएगा तो उस बच्चे का अगर वजन 5 से 6 केजी है, अगर वह बच्चा 0 से लेकर 6 मंथ का है तो उस बच्चे को जो डोज होंगे दोस्तों वह 15 mg/kg के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से इसके डोज दोस्तों निर्धारित किए जाएंगे। जैसे जो बच्चों में ड्रॉप आती है उस ड्रॉप में दोस्तों प्रति 1 ml में 125 mg पैरासीटामोल पाया जाता है, यानी बच्चे को 8 बूंद सुबह और 8 बूंद शाम दिया जा सकता है। यदि आपका बच्चा 0 मंथ से लेकर 6 मंथ और 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच होगा। इसके साथ ही दोस्तों, हम अगले मेडिसिन की बात करें तो वह है दोस्तों सेट्रिज सिरप। सेट्रिज सिरप यह एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है जो कि हमारे बॉडी में हिस्टामाइन को ब्लॉक करके सारे एलर्जिक कंडीशन को खत्म करने का काम करता है। जैसे अगर आपके बच्चे को सर्दी है, जुकाम है, एलर्जिक का कंडीशन पैदा हो, स्किन में रेसेस आ गए हैं, स्किन में खुजली चल रही है, बच्चा जुखाम से परेशान है, उस बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण बहुत ज्यादा सर्दी चल रहा है, इन सारी चीज में इस सेट्रिज सिरप का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसके मार्केट में अलग अलग ब्रांड होंगे लेकिन इसके जो मूल कंपोनेंट होंगे वह होंगे दोस्तों सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। जैसे इसके कुछ हम मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वह है दोस्तों सेट्रिज सिरप, सेट्रिजिक सिरप, कभी कभी यह अपने मूल नाम सेट्रिजिन सिरप के नाम से भी अवेलेबल है। हम इसके डोज की बात करें तो दोस्तों बच्चों में यह 0.5 mg/kg के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों, हम इसके डोज की बात करें तो अगर आपका बच्चा 0 से लेकर 1 साल के बीच है, उस बच्चे को 0.5 mg/kg से लेकर 1.5 mg के पर डे दिया जा सकता है। जैसे अगर बच्चों में यह सिरप दिया जाएगा तो दोस्तों उस बच्चे को 1 ml सुबह और 1 ml शाम दिया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चा 1 साल से अबव हो, 2 साल का हो 3 साल का हो, उस बच्चे को 2.5 ml सुबह में और 2.5 ml शाम में दिया जा सकता है। इसके साथ ही हम अगले मेडिसिन की बात करें तो वह है अस्पोरोलेक्स सचेट। अस्पोरोलेक्स सचेट के कंपोनेंट्स की हम बात करें तो इसके अंदर जो पाई जाती है दोस्तों वह होती है लैक्टिक एसिड बैसिलस। यह एक एंटी डायहोरियल मेडिसिन है जो कि दस्त को कम करने में, दस्त को खत्म करने में, इसके साथ ही लूज मोशन को खत्म करने में
इसके ट्रीटमेंट में यह दोस्तों कारगर है। इसके साथ ही दोस्तों यह बच्चे के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसे मजबूत करने, उसे बढ़ावा देने का काम करती है। इसके हम डोज की बात करें तो अगर आपका बच्चा 0 से लेकर के 6 मंथ तक का बीच है तो उस बच्चे को दोस्तों आधा सचेट सुबह और आधा सचेट शाम में दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 मंथ से अबव है, 6 मंथ से ज्यादा है, तो उस बच्चे को 1 सचेट सुबह में और 1 सचेट शाम में दोस्तों दिया जा सकता है। बीडी के रूप में दिया जाता है जब तक आपके बच्चे को दस्त खत्म ना हो जाए, दस्त रुक ना जाए, तब तक इस सचेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन का नाम है ऑनडेम सस्पेंशन। ऑनडेम सस्पेंशन के जो मूल कंपोनेंट्स है दोस्तों वह है ओंडासेट्रोल। यह एक एंटी इमेटिक क्लास का दवा है जो कि उल्टी के कंडीशन को ठीक करने में प्रयोग में लाई जाती है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपका बच्चा दस्त के साथ साथ उल्टी कर रहा है, बार बार उल्टी हो रही, उल्टी रुक नहीं रही है, इस कंडीशन में इस ऑनडेम सस्पेंशन का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। दोस्तों इसके हम डोज की बात करें तो इसके जो स्ट्रेंथ होती है वो सस्पेंशन में वो होती है दोस्तों 2 mg प्रति ml का स्ट्रेंथ में। अगर आपका बच्चा 0 से लेकर के 6 मंथ तक का है उस बच्चे को दोस्तों यह जो है सस्पेंशन 8 बूंद सुबह में और 8 बूंद शाम में दोस्तों दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 साल से अबव है, 1 साल से ज्यादा बड़ा है, तो उस बच्चे को 1 ड्रॉप सुबह में और 1 ड्रॉप शाम में दोस्तों दिया जा सकता है। यह दोस्तों इसके डोज। दोस्तों हमने उन सारे मेडिसिन को कवर करने का कोशिश किया है जिस मेडिसिन का होना हमारे घर में बहुत ही जरूरी है यदि हमारे घर में छोटा बच्चा है। तो दोस्तों यदि इन सारी मेडिसिन से भी अगर रिकवरी ना मिले, अगर बच्चे को आराम ना मिले, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें ताकि बच्चे को सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा सके। दोस्तों ये थी जानकारी इन चारों मेडिसिन के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप देख रहे थे आरके अबाउट मेडिसिन चैनल। मैं था आपका दोस्त, मैं था आपका होस्ट डॉक्टर राहुल कुमार। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बी केयरफुल, मेडिसिन यूज़।